Hello student, now we will solve question number 6 of exercise 3.3. Prove the following. Question number 6 में क्या है? Cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x और sin pi by 4 minus y is equals to sin x plus y prove करना है आपने. हमने इसके left hand side ले लिया LHS. अब ये देखिए क्या बन रहा है? Cos x cos y. इसका formula बन रहा है ये cos x cos y माइनस साइन एक्स बन रहा है और बन रहा है साइन वाई. तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला ये कॉस एक्स प्लस वाई का. तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कॉस एक्स प्लस वाई. एक्स के प्लेस पे क्या आएगा? ये टर्म आएगा आपका पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस साइन ये आ गया. ओके नाउ वाई, वाई के प्लेस पे क्या आएगा? pi by 4 minus y. So it will be cos pi by 4 plus pi by 4. It will be 2 pi by 4 minus x minus y. Clear? 2 cancel this one. It will be cos pi by 2 minus sine common x plus y it will be. Now what it is become? cos 90 minus theta. Theta ke place mein kya hai? x plus y. So isko kya likh sakte hain? cos 90 minus theta ko sine theta. So it will be sin x plus y. Since cos 90 yani pi by 2 minus theta is equals to sin theta. So that is RHS. ये हमने प्रूफ करना था इसमें. ओके इस तरीके से आप कर लेंगे. तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया फॉर्मूला बन रहा है. आपने फॉर्मूला देख लिया किसका बना हुआ है. तो फॉर्मूले में आपने सॉल्व कर दिया इसको. ओके नाउ नेक्स्ट. Now we are solving question number 7 now. 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x is equals to 1 plus 10x upon 1 minus 10x का और इस बार ही प्रूफ करना है. तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिए. ऊपर 10 LHS ले लिया हमने. 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x. तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है 10 x plus y का. कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पे? लगा दो आप 10 x plus y. तो बन जाएगा 10 x plus 10 y अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई. एक तो ये लग रहा है, एक फॉर्मूला लग रहा है आपका टेन एक्स माइनस वाई दैट इज टेन एक्स माइनस टेन वाई ओवर वन प्लस टेन एक्स टेन वाई. ये दो फॉर्मूला ओपन हो रहे हैं. ठीक है तो ऊपर तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया टेन पाई वाई फोर प्लस टेन एक्स अपोन वन माइनस. ऊपर प्लस आया तो नीचे ये माइनस हो गया. देखो टेन पाई वाई फोर एक्स के प्लेस पर पाई वाई फोर है, वाई के प्लेस पर हमारा एक्स है तो टेन एक्स ये हो गया. अब नीचे आपका डिनोमिनेटर टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होल उसको ओपन करेंगे. क्या बन जाएगा? टेन पाई वाई फोर माइनस का टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन पाई वाई फोर और टेन एक्स. इस तरीके से हम इसको फॉर्मूले को ओपन किए. क्लियर? नाउ 10 पाई बाय 4 वैल्यू यू नो वेरी वेल क्या होती है. 10 पाई बाय 4 यानी 45. दिस वैल्यू इज 1. तो 1 प्लस 10x बचेगा आपके पास. नीचे आएगा 1 माइनस 1 इंटू 10x. नीचे 10 पाई बाय 4 देगी 1 माइनस 10x ओवर इसमें 1 प्लस 10 पाई बाय 4 की वैल्यू फिर से 1 और 10x ऐसे ही आ जाएगा. तो देखिए यहाँ 1 प्लस 10x बच रहा है. ऊपर 1 प्लस 10x है, 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x. आप क्या करोगे? 1 प्लस 10x इसके पास ये वाला 1 प्लस 10x ऊपर ले जाओ यहाँ पे, इसको इधर ले आओ. ठीक है तो बन जाएगा 1 प्लस 10x ओवर ये आ गया 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x. ऊपर बन गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और नीचे बन गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर. Got it? Now we can write it in complete whole square. 1 plus 10x upon 1 minus 10x whole square that is RHS. ये हमने प्रूफ करना था. देखिए क्लियर.
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 cos pi plus x cos minus x upon sin pi minus x cos pi by 2 plus x equals to cot square x प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ये भी इसमें भी हमने अब आपका क्वाड्रेंट वाला कंडीशन बन रही है cos pi plus x का मतलब हो गया 180 plus theta 180 plus theta का मतलब हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है माइनस का होता है और रेशियो किसका है 180 का है तो रेशियो तो चेंज होगा नहीं साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा माइनस का cos x और ये cos minus x बन जाएगा प्लस का x क्लियर लिख देंगे सिंस cos minus x जो होता है वो cos x के इक्वल होता है क्लियर sin pi minus x 180 minus theta सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या बन गया है प्लस का बन गया बट 180 का केस है तो रेशियो चेंज नहीं होगा मैंने बताया था 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होते तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो चेंज नहीं होगा साइन साइन में रहेगा और ये साइन कैसा बनेगा इसका पॉजिटिव तो बन जाएगा साइन x इनटू ये बन गया cos pi by 2 plus x cos pi by 2 plus x यानी 90 plus theta 90 plus theta हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है उसको लिख लेंगे हम माइनस cos x clear now it become minus cos square x upon ये minus का sin x आएगा minus sin x तो ये बन जाएगा आपका minus sin square x minus से minus cancel out हो गया ये बन गया आपका cot square x that is RHS इस तरीके से आप इसको solve कर देंगे ठीक है तो वो previous video बताई थी मैंने जिसमें सब ratio वगैरह बताए थे okay उस पे ही सब बेस्ड है आपको लर्न करनी है वो टेबल्स पूरी ओके स्टूडेंट